हेलो फ्रेंड्स, वैशालीस क्रोशिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रोशिया से ये ब्यूटीफुल फ्लावर राखी बनाना सीखेंगे। बहुत सुंदर ऐसा पैटर्न है, इजी एंड ब्यूटीफुल। इसे बनाने के लिए हमने कॉटन थ्रेड्स का यूज किया है, मर्सराइज कॉटन थ्रेड्स। 4057 एंकर थ्रेड यूज किया है इसे बनाने के लिए। आप वूल या एक्रेलिक यार्न भी इसके लिए यूज कर सकते हैं, 4 ply या 3 ply, इस तरह की थ्रेड्स यूज कर सकते हैं, कॉटन थ्रेड्स। हम आज ये एंकर थ्रेड यूज करेंगे 3 ply। आप इनकी जगह ये एम्ब्रॉयडरी फ्लॉस कॉटन थ्रेड्स भी यूज कर सकते हैं। 7 number 0.95 mm का हुक यूज करेंगे इन थ्रेड्स के लिए। सीजर, निडल, ये सब हम यूज करेंगे। गोल्डन कोन थ्रेड और फैब्रिक ग्लू यूज करेंगे। एक बड़ी साइज का बीड और 2 golden beads यूज करेंगे छोटी साइज के। आइए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले स्लिप नॉट करेंगे। इस तरह हमने स्लिप नॉट लगा ली। अब यहाँ पे 2 chain करेंगे, चेन 2, और इस लूप को पुल कर लेंगे। अब इस बीड को इस लूप में इंसर्ट करेंगे, इस तरह बीड को नीचे की तरफ पुश करना है थोड़ा, इस तरह, और यहाँ पे चेन करेंगे, चेन 1, आगे और 4 chain करेंगे, टू, थ्री, फोर एंड 5, टोटल 5 chain बना लेंगे। और इस साइड के अपोजिट साइड में यहाँ से इस तरह ऊपर की तरफ जो हमने 2 chain बनाई थी उसके 2nd chain पर हुक को पास करेंगे और इस लूप को पुल कर लेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पे। इस तरह एक साइड से हमने बना लिया, इस साइड भी 5 chain करेंगे, चेन 5। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ जो यहाँ पे चेन बनी है फर्स्ट, इसमें से हुक को पास करेंगे, यहाँ से हुक को पास करेंगे और लूप को पुल कर लेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। इस लूप में से भी निकाल लेंगे। इस तरह हमने दोनों साइड से चेन 5 बना ली। अब हम दोनों साइड से 6 single crochet बना लेंगे। चेन 1 करेंगे और इस साइड में इस चेन 5 पर सिंगल क्रोशे करेंगे, यहाँ से हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, नेक्स्ट 6, 6 single crochet हमने यहाँ पे बना लिए इस तरह। अब इस साइड भी 6 single crochet बना लेंगे, यहाँ से हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे, 1, इस धागे को वर्क में लेंगे, नेक्स्ट 2, 3, 4, नेक्स्ट 5,
और सिक्स। सिक्स सिंगल क्रोशिया हमने इस साइड भी बना लिए, दोनों साइड से सिक्स, ट्वेल्व सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए। फर्स्ट चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे और इस राउंड को क्लोज करेंगे। ट्वेल्व सिंगल क्रोशिया हमने इस राउंड में बना लिए। नेक्स्ट सेकंड राउंड बनाएंगे, यहाँ पे थ्री चेन करेंगे, वन टू एंड थ्री, चेन थ्री। एक स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे करेंगे, अगेन चेन थ्री करेंगे। इस तरह का चेन थ्री स्पेस बना लिया हमने, चेन थ्री करेंगे, एक स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे करेंगे, अगेन चेन थ्री, एक स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे करेंगे, अगेन चेन थ्री करते जाएंगे, एक स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे करेंगे। टोटल सिक्स स्पेसेस बना लेंगे हम, चेन थ्री स्पेसेस, चेन थ्री, एक स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे, वन टू एंड थ्री, लास्ट स्पेस बनाएंगे, एक स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह हमने सिक्स चेन थ्री स्पेसेस बना ली। नेक्स्ट थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे, पेटल्स बनाएंगे। फर्स्ट चेन थ्री स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पे हम पेटल बनाएंगे, चेन वन करेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे, वन सिंगल क्रोशे यान ओवर करेंगे, सेम स्पेस में हाफ डबल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशे करेंगे, फर्स्ट डबल क्रोशे, सेकंड डबल क्रोशे, थर्ड डबल क्रोशे और फोर्थ डबल क्रोशे। चार डबल क्रोशे हमने बना लिए, फोर डबल क्रोशे, नेक्स्ट एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे, वन हाफ डबल क्रोशे, वन सिंगल क्रोशे। इस तरह हमने फर्स्ट पेटल बना लिया चेन थ्री स्पेस में, इसी तरह सारे पेटल्स बना लेंगे। नेक्स्ट स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे, चेन वन सिंगल क्रोशे करेंगे, हाफ डबल क्रोशे, फोर डबल क्रोशे, वन टू थ्री एंड फोर, एक हाफ डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे। इस तरह थ्री पेटल्स हमने बना लिए और थ्री पेटल्स बना लेंगे। फाइव पेटल्स हमने बना लिए यहाँ पे। नेक्स्ट स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन करेंगे, सिंगल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे, फोर डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री एंड फोर, फोर डबल क्रोशे हमने बना लिए, एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पे, सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशे। इस तरह हमने सारे पेटल्स बना लिए, सिक्स पेटल्स, फ्लावर कंप्लीट कर लिया हमने। यहाँ पे फर्स्ट स्टिच पर स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन करेंगे
और धागा फुल कर लेंगे, कट कर लेंगे। धागा लंबा पुल करना है, इसे कट कर लेके नीडल में पिरो लेगी और बैक स्टिचेस में हाइड कर देगी। नेक्स्ट स्टिच में से धागे को बैक स्टिचेस में ले जाएगी, बैक साइड में, और बैक स्टिचेस में हाइड कर देगी। इन स्टिचेस में से यहाँ से सुई को पास करेंगे, थ्रेड को कट कर लेंगे, फैब्रिक ग्लू से थ्रेड्स के एंड्स को चिपका देंगे। हमारा ब्यूटीफुल फ्लावर रेडी है। अब इसे गोल्डन कलर के थ्रेड से बीच में से स्टिचेस करेंगे, चेन स्टिचेस से डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे इन स्टिचेस में से हुक को पास करेंगे, इस लूप को पुल कर लेंगे। थोड़ा धागा नीचे रखना है। अब यहाँ से हम चेन स्टिचेस करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में से नीचे से लूप को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, फर्स्ट लूप में से निकाल लेंगे, आगे नेक्स्ट लूप को इस लूप में से निकाल लेंगे। इस तरह हम स्टिचेस का राउंड बना लेंगे यहाँ पे। चेन स्टिचेस बना लेंगे, आप इसे जरी थ्रेड से भी बना सकते हैं, गोल्डन कलर के थ्रेड से यह और भी सुंदर लगता है। लाइट कलर के थ्रेड से भी आप इसे बना सकते हैं। इस तरह हम स्टिचेस बना लेंगे। यहाँ पर हमने चेन स्टिचेस कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट स्टिच में से हुक को पास करेंगे और स्टिच करेंगे। अब इसे इस थ्रेड को पुल कर लेंगे, लंबा पुल करना है, कट कर लेंगे और इस थ्रेड को सुई में पिरो लेंगे और पीछे की तरफ ले जाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में से पीछे की तरफ ले जाएंगे और जो हमने धागा छोड़ा था उसके साथ उसकी नॉट लगा लेंगे, दोनों थ्रेड्स की 2 या 3 नॉट्स लगाएंगे यहाँ पे और एक्स्ट्रा थ्रेड्स कट कर लेंगे। इस तरह हमने यहाँ पे 3 नॉट्स लगा ली। इसे कट कर लेंगे थ्रेड्स को और इसके एंड पर ग्लू लगाकर चिपका देंगे। इस तरह हमारा ब्यूटीफुल फ्लावर रेडी है। अब हम इसे राखी बनाएंगे। इस राखी में हम सेम कलर का थ्रेड डोरी के लिए यूज करेंगे। यहाँ पर हमने 2 थ्रेड्स कट कर लिए हैं सेम साइज के, इन्हें बीच में फोल्ड करेंगे इस तरह और एक थ्रेड कट कर लेंगे। अब दोनों साइड से हम थ्रेड को अटैच करेंगे। दोनों पेटल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे हुक को पास करेंगे और इस थ्रेड का लूप यहाँ से पुल कर लेंगे इस तरह। एक चेन बना लेंगे, और धागे को निकाल लेंगे।
इस तरह हमने एक चेन बना ली, धागे को निकाल लेंगे। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह दूसरी डोरी लगा लेंगे। दोनों पेटल्स में से हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे और एट चेन बनाएंगे। इस तरह हमने दोनों साइड से डोरी लगा दी। अब यहाँ पर एक एक गोल्डन बीड फिरू लेगी दोनों साइड से। इस तरह एक गोल्डन बीड इस साइड से फिरू लेगी और एक गोल्डन बीड दूसरी साइड से भी फिरू लेगी। इस तरह हमारी ब्यूटीफुल क्रोशी फ्लावर राखी रेडी है। आप भी इसे बना सकते हैं, बिगिनर्स फ्रेंडली ऐसा पैटर्न है। आपके मनपसंद कलर्स के थ्रेड्स से आप इसे बना सकते हैं, थ्रेड्स एक्रेलिक यार्न या वूल से भी आप इसे बना सकते हैं और इसे सेल कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये ब्यूटीफुल पैटर्न। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।